आज मैं ये नहीं खाऊंगा। डेली डेली तो चेंजेस हो रहे हैं, दाल का भी है, चना का भी है। चना के दिन बोले मैं चना नहीं खाता हूँ, दाल के दिन बोले मैं दाल नहीं खाता हूँ। अब तक मैं एक बार एक सब्जी तो हम सकते कि कोई किसी को एलर्जी नहीं खाता है, उसको सेपरेटली बना के देगा कोई भी। बराबर क्लोज करके लास्ट आज जो भी बराबर पिकअप करो। लास्ट टाइम ऐसा नहीं कि इसमें धनिया नहीं, इसमें पुदीना नहीं, किसी में स्प्रिंग ऑनियन नहीं। तो बराबर जो प्रॉपर गाने से पहले से दे रहे हो वही लास्ट तक भी दो। कभी कभी वो खाना उधर में बना के रख के जाना पड़ता है, उसके ऊपर एक प्लेट डाल के चले जाओ, क्योंकि गेस्ट कभी कभी बोलते हैं मेरे को 12 बजे चाहिए। तो और फीस आया था, सी फीस आया, सी फीस दो तरीके का, दो मतलब दो वेंडर से आता है। एक वेंडर से जब आया 12,180 रुपये का है, डेयरी का 44,433 रुपये, मतलब 44,433 रुपीज़ समथिंग। चिकन आया है 1,11,065 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में मिल्क आया है सिर्फ 18,926 रुपये का। कैश परचेस हुआ मतलब ओनली फूड से रिलेटिव, ये जो भी है ओनली फूड से रिलेटिव है, कैश परचेस हुआ है 34,857 रुपीज़ ओनली। आइसक्रीम का तो आइसक्रीम तो नहीं है। और चारकोल आया है 13 दिन में, चारकोल आया है 8,800 रुपये का। और गैस का सिलेंडर है 36,900 समथिंग। ऑयल आया है 12,428 रुपये का। उसके बाद में स्पाइसेस आया है 10,401 रुपये के, सॉरी 10,000 नहीं 1,04,001 रुपये के, ठीक है। और एक स्पाइसेस का मतलब दो भेड़ा है हमारा स्पाइसेस का खाने का, एक आया 14,458 रुपये, सॉरी 58 पैसे। 13-26 अगस्त तक टोटल फूड कॉस्ट है 41.28%। तो अभी इतने का मतलब जैसे वेजिटेबल देख सकते हैं, तो वेजिटेबल का जो 13 दिन में बहुत ज़्यादा आया है, देखा जाए तो वेजिटेबल हो गया, चिकन मटन जो भी हो गया, तो उसको अगर किधर भी अगर वेस्ट हो रहा है तो ध्यान दो अपने हिसाब से, क्योंकि फूड कॉस्ट जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसलिए अपने अपने डिपार्टमेंट में जितना भी सामान चाहिए उतना लो। अगर तुमको लग रहा है कि इधर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हम लोग जैसे बोनलेस चिकन मतलब अगर जैसे हम लोग विधवन को बोनलेस कर रहे हैं, उसमें हमारे पास वेस्टेज तो हो रहा है कुछ ना कुछ, देख सकते मतलब किधर कितना कम हो सकता है फूड कॉस्ट। उसको कम करने के लिए अगर किसी को लगता है कि मतलब इधर गलत हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि ये मतलब चिकन ज़्यादा इधर वेस्ट हो रहा है, भेजर इधर वेस्ट हो रहा है, तो उसको पकड़ो और उसको तुरंत बंद करवाओ पैसे करके। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको भी समझाओ कि मतलब ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसको सही कराने के लिए, ठीक है। किचन स्पॉयलेज है लेकिन सो नहीं हो रहे हैं, टास्क कंप्लीट है, ठीक है। तो किचन स्पॉयलेज जितना है इसके बाद कोई इधर बाहर का पिटा हुआ है नहीं उन लोगों को, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर देख रहे हो तो उसको एक बार दिखाओ, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है, स्पॉयलेज जीरो है।